गाइस स्टॉप योर ब्रेकफास्ट इमीडिएटली टू स्टे हेल्दी एंड फिटर फॉर लॉन्गर टाइम। अगर आपको ज्यादा समय तक हेल्दी रहना है, फिट रहना है, तो अपने डेली रूटीन में से अपने ब्रेकफास्ट को हटा दीजिए, क्योंकि कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे हो सकते हैं आपके ब्रेकफास्ट में जो आपको नुकसान ज्यादा और फायदा कम पहुंचा सकता है। और ये कैसे काम करता है गाइस, अगर ये पता लगाना है तो आपको दो चीजें करनी पड़ेंगी। फर्स्ट, इमीडिएटली गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सेकेंड, मेरे साथ बने रहिए एंड तक के वीडियो में, क्योंकि एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि ये स्टेटमेंट में कितनी सच्चाई है और ये कैसे आप इंप्लीमेंट कर सकते हो आपके डेली रूटीन। सो हाय गाइस, दिस इज संजू कालीवाला। आई एम द फाउंडर ऑफ द नेचुरल लाइफस्टाइल हब एंड ऑन ए मिशन टू हेल्प एटलीस्ट 100,000 वर्किंग प्रोफेशनल्स टू अचीव देयर गुड हेल्थ, टू अचीव देयर फिटनेस एंड टू अचीव देयर लॉन्जिविटी बाय यूजिंग ऑल नेचुरल टेक्निक्स। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डू द वीडियो। तो गाइस, अगर आपको हेल्दी और फिट रहना है तो आपको ये दो फैक्टर्स पे पहले फोकस करना पड़ेगा, और उसमें सबसे पहला फैक्टर है व्हाट यू आर ईटिंग, और सेकंड फैक्टर है व्हेन यू आर ईटिंग। थर्ड फैक्टर भी होता है गाइस, हाउ मच यू आर ईटिंग, बट ये हाउ मच यू आर ईटिंग कंप्लीटली डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन और ये चेंज होते रहता है। सो वी विल कीप असाइड हाउ मच यू आर ईटिंग, वी विल फोकस ऑन द टू फैक्टर्स, व्हाट यू आर ईटिंग एंड व्हेन यू आर ईटिंग। सो व्हाट यू आर ईटिंग इज द कम्प्लीट, आपको इन्फॉर्मेशन रहना चाहिए कि आपके प्लेट में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, आप क्या क्या खा रहे हो। और व्हेन यू आर ईटिंग इज द टाइमिंग ऑफ योर मील, आप कौन से टाइम पे क्या मील ले रहे हो, जो एक क्रूशियल रोल प्ले करता है आपको हेल्दी रखने में, आपके मसल बिल्ड करने में, आपका फैट लॉस होने में या आपके ओवरऑल हेल्थ डेवलपमेंट में। सो गाइस, इन दिस वीडियो वी विल डाइव लिटिल डीपर ऑन दिस टू फैक्टर्स एंड वी विल सी हाउ योर होल डे ईटिंग पैटर्न मस्ट बी एंड आप कौन से टाइम पे कौन सा मील लेना फायदेमंद हो सकता है आपको और हाउ यू कैन डिजाइन योर डे। सो एज पर स्टडीज, एक आइडियल इंसान, एक नॉर्मल इंसान को डेली 4-5 मील्स लेना चाहिए गाइस, अपने मेटाबॉलिज्म को वर्किंग रखने के लिए, अपने एनर्जी लेवल्स हाई रखने के लिए, जो हेल्प करता है आपके होल डे एक्टिविटीज को अकम्प्लिश करने में। सो इसमें सबसे पहला मील होता है ब्रेकफास्ट। सो फॉरगेट अबाउट द स्टेटमेंट जो मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में कहा, उसके बारे में अपन एंड में बात करते हैं, बट फोकस ऑन दिस। सो एज पर स्टडीज, ब्रेकफास्ट इज वन ऑफ द क्रूशियल मील आपका जो होल नाइट फास्ट को ब्रेक करने के लिए, एनर्जी लेवल्स को हाई करने में, आपके बॉडी को रिप्लेनिश करने में और आपके डे को एक हेल्दी स्टार्ट देने में। और आपका ब्रेकफास्ट कैसा होना चाहिए गाइस, इट शुड बी फुल ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स विद अप्रोप्रिएट प्रोटीन एंड अप्रोप्रिएट फैट्स, विच विल हेल्प टू किक स्टार्ट योर डे एंड कीप द एनर्जी लेवल्स हाई फॉर द अदर वर्क्स यू डू द होल डे। सो सेकेंड मील ऑफ द डे आपका हो सकता है मिड डे स्नैक, बिकॉज एज पर स्टडीज गाइस यू हैव टू ईट लाइक अ स्मॉल मील और स्नैक फॉर एवरी 3 hours, ना तो कम ना तो ज्यादा इस टाइम से, बिकॉज इफ यू आर ईटिंग फॉर एवरी 3 hours, ये आपकी मदद कर सकता है आपके एनर्जी लेवल्स को हाई रखने के लिए, आपको फुलर रखने के लिए, जो आपको हेल्प कर सकता है आपके ओवर ईटिंग से बचने के लिए। मिड डे स्नैक और मील कैसा हो सकता है गाइस, इट कैन बी ए कम्प्लीट मील विद अप्रोप्रिएट प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, और यू कैन गो फॉर एनी फ्रूट्स अलॉन्ग विद नट्स, और इवन यू कैन गो फॉर एनी वेजिटेबल्स अलॉन्ग विद गुड फैट्स वगैरह वगैरह। सो ये थे दो मील्स ऑफ द डे, ब्रेकफास्ट एंड मिड डे स्नैक। नाउ कमिंग टू थर्ड मील, ऑब्वियसली इट विल बी लंच, विच कैन बी ए मिड आफ्टरनून या अगर आप नाइट शिफ्ट कर रहे हो मिड नाइट। सो लंच कैसा होना चाहिए गाइस, और लंच का क्या काम होता है, लंच विल ऑल्सो हेल्प्स यू टू कीप फुलर जैसे दूसरे मील्स करते हैं, आपके बॉडी को रिकवरी देने में, आपके बॉडी को एनर्जी सप्लाई करने में, आपके मेटाबॉलिज्म को वर्क करने में, ऑब्वियसली इट विल ऑल्सो हेल्प टू मैनेज योर वेट एंड कीप यू हेल्दी एंड फिट। सो आपका लंच कैसा होना चाहिए गाइस, इट कैन ऑल्सो बी लाइक इट इज़ ए फुल मील, सो इसमें आप ऐड कर सकते हो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसे हो गए ब्राउन राइस, स्वीट पोटैटो, लीगम्स, लेंटिल्स और मिक्स्ड ग्रेन्स अलॉन्ग विद सम प्रोटीन सोर्सेस। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो यू कैन ऐड चिकन, एग्स, एनिमल बेस्ड प्रोटीन, और अगर वेजिटेरियन हो तो यू कैन गो फॉर वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन्स जैसे हो गए सोया चंक्स, पनीर या तो मिक्स्ड ग्रेन्स वगैरह वगैरह। सो गाइस, आपने आपके दिन की शुरुआत ब्रेकफास्ट से की है, स्नैक ले लिया है, लंच ले लिया है, अब ये टाइम आता है आफ्टरनून स्नैक। क्या आपका जो स्नैक बिटवीन योर लंच एंड डिनर, सो
व्हाई दिस इंपॉर्टेंट गाइस, अगेन आपको ध्यान में रखना है, आप एवरी 3 आवर्स को एक मील ले रहे हो इफ पॉसिबल. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मील इन बिटवीन यूर लंच एंड डिनर, जो आपको हेल्प करेगा आपके मेटाबॉलिज्म को कीप ऑन वर्किंग, और जो आपके मसल्स कैटाबॉलिज्म स्टेट में जा सकते हैं उससे बचाने के लिए, और इट विल ऑल्सो हेल्प आपके एनर्जी लेवल्स को बनाए रखने में. क्योंकि अगर ज़्यादा समय तक आप गैप दे दो के मील्स में, तो ऑब्वियसली यूर एनर्जी लेवल्स विल गो डाउन, यू विल बी लेस फोकस्ड, और जो आपका नेक्स्ट मील रहेगा गैप के बाद, वहाँ पे आप बिंज ईटिंग या ओवर ईटिंग के शिकार हो जाओगे. सो टू उस सब चीज़ों से बचने के लिए यू कैन ऐड ए मिड डे स्नैक ऑल्सो, विच कैन बी ए फ्रूट अलॉन्ग विथ नट्स और हैंडफुल ऑफ नट्स, और कैन इवन गो फॉर योर फेवरेट ग्रीन टी और कॉफी along with some nuts वगैरह वगैरह. So it's dinner time. So आप ये बड़ा controversial food होता है dinner. कुछ लोग कहते हैं dinner बिल्कुल light लेना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं dinner में कुछ carbohydrates नहीं लेना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं you have to end the dinner with just salads and proteins. So guys, it's completely depend upon person to person. और डिनर को भी एक इम्पॉर्टेंट मील के जैसा कंसिडर करिए. स्पेसिफिकली अगर आप इवनिंग में जिम कर रहे हो, तो दिस मील विल बी ए गेम चेंजर फॉर यू. क्योंकि ये मील आपको हेल्प करेगा आपको आपके वर्कआउट से रिकवरी होने में, आपके जो भी न्यूट्रिएंट्स है सप्लाई करने में, जो हेल्प करता है आपको हेल्दी और फिटर और लॉन्गर रखने में. सो आपका डिनर कैसा होना चाहिए गाइस, इज कम्प्लीटली डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन. अगर आप इवनिंग वर्कआउट कर रहे हो, तो इट शुड बी लाइक अप्रोप्रिएट कम्प्लीट मील, जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स सब एक रिक्वायर्ड पोर्शंस में अवेलेबल हो. या कुछ लोग डिनर करना पसंद नहीं करते हैं, वो लोग दे कैन कीप देयर डिनर लाइट विद द सूप्स और सलाड्स, बट विद अप्रोप्रिएट न्यूट्रिएंट्स. सो वी आर ऑलमोस्ट कंप्लीटेड द डे, नाउ इट्स द टाइम फॉर द लास्ट मील ऑफ योर डे. सो ये मील आप कब ले सकते हो गाइस, ये मील आप प्लान कर सकते हो 30 to 60 minutes प्री बेड सोने से पहले. और ये मील क्यों इंपॉर्टेंट होता है गाइस, इफ यू हैविंग ए गुड स्नैक, एक छोटा सा स्नैक जो हल्का हो आपके डाइजेशन पे, ये हेल्प कर सकता है आपके स्लीप को बूस्ट करने में. और ये हेल्प कर सकता है जो ओवर नाइट फास्ट में रहते हो आप, नींद में कुछ खाते नहीं हो, उस टाइम पे आपके मसल्स को न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करते रहने में और आपके बॉडी को मेटाबॉलिज्म से बचाने में. And it has its own benefit. So आपका pre-bed snack कैसा होना चाहिए guys? You can take a handful of nuts, almonds or walnuts, or you can take a yogurt. और अगर आप अच्छे bulking में हो, अगर आप अच्छे gaining diet में हो, you can take a small meal which will be lower on your carbohydrate side, moderate in protein and higher on your healthy fats. So like this you can plan your pre-bed snack. So guys, अब बात करते हैं जो स्टेटमेंट मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो कहा था ब्रेकफास्ट छोड़ने के लिए. एक्चुअली वाई गाइस, आप ये जो मैंने जितना भी आपका ओवरऑल डे का प्लान बताया है, मील्स बताया है, टाइमिंग बताया है, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन गाइस. ये ऐसा नहीं है कि ये एक फिक्स्ड रूल है सबके लिए. सो कमिंग टू ब्रेकफास्ट, मोस्ट ऑफ द पीपल मॉर्निंग दे वोंट फील हंग्री एंड दे वोंट लाइक टू टेक ब्रेकफास्ट. सो ऑलवेज लिसन टू योर बॉडी, अपने हंगर को ट्रिगर करते हुए मील लेना एक बेटर ऑप्शन होता है आपको हेल्दी रहने में. और ब्रेकफास्ट ज़्यादा आपको नुकसान कैसा पहुँचा सकता है गाइस, क्योंकि आजकल आप देख सकते हो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज कंपनीज आर यूजिंग, दे आर प्रमोटिंग लाइक जूसेस हेल्दी होते हैं, सीरियल्स रेडीमेड सीरियल्स के ऑप्शन ज़्यादा हो गए मार्केट में, एंड मोस्ट पीपल विल फॉल इन दिस ट्रैप. और वो क्या करने लगते हैं, अपने ब्रेकफास्ट में जो मार्केट में जूस मिलते हैं वो जूसेस ऐड करते हैं, और जो रेडीमेड सीरियल्स होते हैं वो ऐड करने लगते हैं, विच विल बी हैविंग हिडन शुगर्स इन देम, जो आपके हेल्थ को डे टू डे बेसिस पे लॉन्ग टर्म पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट बता सकते हैं, आपके हार्मोन्स को नीचे ऊपर कर सकते हैं, स्पेसिफिकली आपके इंसुलिन को स्पाइक करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, जो एक अनहेल्दी प्रैक्टिस हो सकता है. क्योंकि अगर आपका इंसुलिन स्पाइक हो जाता है, इट डायरेक्टली लीड्स टू weight gain, it directly leads to suppress other hormones and it will directly leads to unhealth. So guys, if you want to take breakfast, if you feel hungry in the morning, always try to prepare a healthy breakfast with complex carbohydrates, healthy fats, with protein, appropriate protein, so that it can be a healthy option, जिससे कि आपको फायदे मिले ना कि नुकसान. और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स है गाइस, जिसको मैं देखता हूँ
कुछ ईयर से वो कभी ब्रेकफास्ट करते ही नहीं है, बट स्टिल दे आर हेल्दी, स्टिल दे कैरी गुड मसल मास इन दर बॉडी एंड दे आर फिट फॉर ए लॉन्गर टाइम. सो गाइस, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू. अगर आपको ब्रेकफास्ट लेना है, इफ़ यू आर फीलिंग हंग्री इन द मॉर्निंग, यू कैन गो विथ हेल्दी ऑप्शन, और एल्स इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर सम अनहेल्दी प्रैक्टिस, यू जस्ट कट डाउन द ब्रेकफास्ट फ्रॉम यूर रूटीन. सो गाइज, होप दिस वीडियो विल क्लियर यूर कन्फ्यूजन पर्टेनिंग टू वॉट टू ईट एंड वेन टू ईट. सो गाइज, प्लीज कॉमेंट इन द कॉमेंट बॉक्स विद द बिगेस्ट टेक अवे फ्रॉम दिस वीडियो, एंड प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद सच ए पर्सन हु इज स्टिल इन कन्फ्यूजन about what to eat and when to eat. Or guys, please don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon for more informative videos like this in future. So guys, this is Sanjeev Kaliwala signing off. See you in the next video. Till the time, stay healthy, stay fit, and stay natural.